हेलो, गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और फिर से एक बार आ गए हैं नई वीडियो के साथ। तो आज हम जा रहे हैं, सुबह सुबह जा रहे हैं रायपुर दुकान के सामान खरीदी करने के लिए। तो मैं सुबह सुबह जल्दी उठा और उठ के तैयार हो गया हूँ। अब अपन लोग चलेंगे दुकान, दुकान में जा के देखेंगे क्या क्या सामान है क्या नहीं है, उसके बाद वहाँ से लिस्ट बना के अपन लोग निकलेंगे रायपुर की। तो आप लोग को ले चलता हूँ आज रायपुर। तो अपन लोग बाइक में जाते हैं, पर आज क्या है बाइक मौसम भी ख़राब है, तो अब आज बाइक में नहीं जाएंगे, कांकेर तक जाएंगे बाइक में, फिर वहाँ से जाएंगे बस में। और सामान चलो देख लेते हैं दुकान में आ गए हैं, सामान क्या क्या है क्या क्या नहीं है, उसके बाद सीधे निकलेंगे। अब नाश्ता कर लेते हैं, मेरी वाइफ बनाई नाश्ता फ्राई चावल की है, इसी को खा के निकलेंगे अब सीधा। मैं आया हूँ, निकल गया था, पर भाई का कॉल आया तो मैं भाई के पास आया हूँ। भाई के भाई का सामान लाना था, मोबाइल दुकान है भाई का, तो उसके लिए मैं भाई के पास आया हूँ। चलते उनके घर में, भाई भी आ गए। आ भाई भूपेन। भाई से पैसा ले रहे हैं कड़क नोट, फिर जाएंगे रायपुर सामान खरीदने के लिए। भाई लिस्ट बना के दे दिए हैं सामान का, उनका जो मोबाइल दुकान का सामान लाना है वो लाना है। जा रहा हूँ मैं सीधा कांकेर, तो मिलते हैं आपको कांकेर के बस स्टैंड पर। तो फाइनली अब हम लोग पहुँच चुके कांकेर, और कांकेर में गाड़ी पार्क कर दी हम यहाँ पे। अब यहाँ से जाऊँगा मैं बस स्टैंड, बस स्टैंड से बैठूँगा बस। तो चलो चलते हैं बस स्टैंड। अब फाइनली बस मिल गए हैं रायपुर के लिए। देख रहे हो गली में कुत्ते कैसे भौंक रहे हैं, पूरा गैंग लेके जा रहे हैं इन लोग। ऑटो ऑटो में बैठा तो भैया भी ज़्यादा दूर नहीं ले गए मेरे को, घड़ी चौक के पास उतार दिए, और मेरे को जाना था जयस्तंभ चौक। वहाँ से मैं पैदल पैदल चला गया जयस्तंभ चौक के पास। जयस्तंभ चौक जाने के बाद मेरे को जाना था रवि भवन, उधर जाना था मेरे को गोल बाजार। ये है जयस्तंभ चौक, जयस्तंभ चौक रवि भवन, ये रवि भवन है, अपने को इधर ही जाना है। तो चलो चलते हैं, ट्रैफिक रहता है यहाँ पे हमेशा। अभी अपन लोग आ गए गोल बाजार, और ये अपना दुकान है, यहीं जाना है अपने को शॉपिंग करने के लिए। दीदी हमको दिखा रही सामान, पूरा स्टॉक रहता है उसका, ऐसे स्टॉक मिलता है। हम लोग यहाँ से फैंसी वाला सामान निकाल लिए हैं, अब इसके बाद दीदी बिल बना रही है, बिल बनाने के बाद पेमेंट पे करेंगे, फिर जाएंगे अब सीधा घड़ी दुकान, घड़ी लेंगे, पर्स लेंगे, और स्कूल बैग वगैरह खरीदेंगे, उसके बाद जाएंगे चूड़ी कंगन लेने के लिए जाएंगे, तो फिर उधर ही मिलते हैं। भूख भी बहुत लगा था, खा रहा था मैं चना मसाला। तो वहाँ से शॉपिंग करके मैं आ गया भैया के दुकान में बर्थडे सामान लेने के लिए। वहाँ से मैं खरीदी करके निकल गया था सीधा बस स्टैंड जाना था, तो बस स्टैंड दूर था तो मैं वहाँ से नहीं गया, और सीधा मैं आ गया पचपेड़ी नाका फिर से, क्योंकि वहाँ बस आ जाती है, तो पचपेड़ी नाका निकल गया। लेट बहुत हो गया था मैं, बाकी तो वीडियो बना नहीं पाया जल्दी जल्दी के चक्कर में, सामान मेरे को बहुत खरीदना था। मैं पहुँच गया पचपेड़ी नाका पे, और ये रहा मेरा सामान, सामान ही पैक कर लिया था मैं सब। 15-20 मिनट इंतजार करने के बाद मेरे को फाइनली मिल गया था बस,
तो बस में बैठ के मैं निकल गया था घर की ओर, और मेरे को जाना था कांकेर, वहाँ से फिर मेरे को गाड़ी पकड़ के निकलना था घर, और काफ़ी लेट हो गया था। यहाँ से करीबन मैं 7 बजे के आसपास निकला था, 10:30 बजे पहुंच गया मैं कांकेर के बस स्टैंड, और बस वाले ने पूरा मेरा सामान भिगा दिया। तो फाइनली मैं पहुंच गया घर, घर में आया तो देखा बस वाले ने मेरा बहुत नुकसान करा दिया। ये देखो पूरा भीग गया है पीछे साइड, सामान पूरा गीला हो गया है। इधर भी पूरा सामान गीला हो गया, फट गया, बहुत नुकसान हो गया, पूरा भीग गया सामान आधा। इसका भी सामान अभी बहुत भीगा है, उसको खोला नहीं हूँ अभी। रात हो गया, भूख भी लग रहा है, बहुत टाइम हो गया, अब खाना खाऊंगा फिर सामान वगैरह खोलूंगा सब। तो फाइनल बहुत सारा सामान खोल लिए दुकान का, और बिखरा हुआ है अपना सामान, सबको सजाना है, रात भी काफ़ी हो चुका है, और बहुत थोड़ा बहुत सामान सजा लिए हैं, और इधर बाकी सब खुला हुआ है, बहुत सामान भीग गया था, हालत ख़राब था बाकी सामान का। तो ठीक है गाइस, टेक केयर, गुड नाइट, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।